फिल्मी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं दोनाली वेब सीरीज पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही एक राधा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, समीर से बात करते हुए। कहती है, समीर कस्टमर वेट कर रहा, तुम चले जाओ। समीर गाड़ी में जाता है, एक आदमी समीर की गाड़ी के पीछे कर रहा होता है। कहता है, ये समीर करता है क्या है? वो बूढ़ा होता है, समीर का घर का मालिक। अगले सीन में राधिका को दिखाया जाता है, उसका फ्रेंड कॉफ़ी लेके आता है, दोनों साथ में बैठते हैं, कॉफ़ी पीते पीते समीर के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले ही सीन में एक लड़की को स्कूटी से आते हुए दिखाते हैं, जिसका नाम होता है रिया। रिया अपने घर आई होती है और रॉन उसके घर पर वेट कर रहा होता है बाहर। रिया और रॉन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रॉन से कुछ गलती होती है, रिया उससे नाराज़ होती है। रिया कहती है, मैं तभी तुम्हें माफ़ करूँगी जब तुम उठक बैठक करोगे। रॉन उठक बैठक करता है और रिया और रॉन गले मिलते हैं, फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। रॉन अपने घर में आता है, देखता है साक्षी आई होती है। रॉन साक्षी से कहता है, तुम तो समीर की गर्लफ्रेंड हो ना? साक्षी कहती है, समीर कहाँ है, मुझे उससे बात कर ली। तो दोनों सैड होते हैं कुछ बातों से, एक दूसरे को गले लग रहे होते हैं और तभी दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है। दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, रिया आई होती है। तीनों में आनाकानी होती है। रॉन रिया को समझाते हैं, जो भी तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं है, ये समीर की गर्लफ्रेंड साक्षी है, मेरा विश्वास नहीं होता, मैं फ़ोन में बात करा देता हूँ। फ़ोन निकाल रहा होता है, तभी रिया कहती है, बाहर में जाओ। वो वहाँ से चली जाती है। दोनों के जाने के बाद समीर घर आता है, कहता है, बॉम्बे का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दिमाग ख़राब हो गया, ऊपर से मकान मालिक। समीर नहा रहा होता है, रॉन कहता है, साक्षी आई थी। समीर टावल के साथ बाहर आता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहा? समीर कहता है, नहीं, ये तेरे लिए लेटर छोड़ी गई है, उसमें उसका नंबर लिखा गया होता है। और समीर कॉल करता है। अगले दिन समीर साक्षी से मिलने पार्क जाता है। साक्षी पार्क के बेंच में बैठी होती है, समीर और साक्षी दोनों बात करते हैं। साक्षी कहती है, मैंने तुम्हारे फ़ोन में सारी वॉइस सुन ली, और उसको थप्पड़ मारती, नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। समीर राधिका के घर आते हैं, राधिका समीर के पास आके बैठती है, कहती है, प्यार ऐसे ही होता है, दुखी करते हैं, खुश हो जा, आज मैं तुझे तेरी उम्र के क्लाइंट के पास भेजने वाली हूँ, राधिका कहती है, और समीर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में घर के मालिक और उसकी वाइफ को बैठा हुआ दिखाते हैं। उसकी वाइफ कहती है, आज साल गिरा है, इतने साल में भी तुम मुझे खुश नहीं कर पाए, कैसी ज़िंदगी चलेगी? उसका पति कहता है, तुम्हें तो पता ही है मेरे बारे में। अपनी वाइफ को दुखी दिख रहा होता है, कहता है, तुम्हारी दुखी मुझसे दिखा नहीं जा रहा। तो राधिका को कॉल करता है, समीर वहाँ पर आता है। समीर उन दोनों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि दोनों ने मास्क लगाया होता है। समीर और उसकी वाइफ इंटीमेट होते हैं। अगले ही दिन राधिका समीर को एक क्लाइंट के पास भेजती है। क्लाइंट कोई नहीं, रिया होती है। समीर उसको देख के चौंक जाते हैं, रिया भी उसको देख के चौंक जाती है। रिया समीर को अंदर बुलाती है, सोफे में समीर बैठता है और रिया कोक लेके आती है, साथ में दोनों पीते हैं। तभी वहाँ पे साक्षी और रौन आ जाते हैं। रिया और समीर को देखते चौंक जाते हैं, चारों में बहस होती है। तभी राधा का कॉल आता है समीर को। समीर वहाँ से बहाना करता है, मुझे पापा को पैसे देने जाना है। समीर वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में घर का मालिक और उसकी वाइफ को दिखाता है। उसका पति कहता है, अब तो खुश हो ना? उसकी वाइफ कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, डबल मज़ा आया। वो कहता है, डबल मज़ा कैसे? क्योंकि उसके पास एक नहीं दो होते हैं। ये सुनते ही उसका पति चौंक जाता है और समीर के रूम में जाता है। रॉन के फ़ोन में समीर का फ़ोन आता है। समीर कहता है, एक घंटे में मैं घर नहीं आया, मैंने लोकेशन भेज दिया है, तू वहाँ पहुँच जाइए पुलिस। फ़ोन रखता है, कहता है, आज समीर को रंगे हाथ पकड़ूँगा, समीर करता क्या है? वो चला जाता है। अगले ही सीन में राधिका और समीर पैसे को और पुलिस को लेकर बहस कर रहे थे। बहस करने के बाद समीर वहाँ से चले जाता है और समीर का ऑनर घर पर आता है। तभी राधिका उसके सर में वार करती है और मेन जगह पर वार करती है। अगले सीन में रॉन रिया के घर जाता है, देखता है रिया और साक्षी इंटीमेट हो रहे होते हैं। रॉन कहता है, ये क्या कर रहे हो? साक्षी कहती है, जो तुम करते हो रॉन और समीर के साथ, ये सब गलत है, रॉन कहता है। तभी समीर वहाँ पे आता है और तीनों में बात होती है। समीर वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। समीर खुले में वॉशरूम कर रहा होता है, तभी साक्षी वहाँ आती है। साक्षी को लगता है ये खुदकुशी कर रहा है, समीर को रोकती है। समीर को कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। समीर कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साक्षी कहती है, मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे दोनों के बारे में। समीर चौंक जाता है और साक्षी कहती है, मुझे लाइफ में दोनों जगह एक साथ इंटीमेट होना था, ये सपना तुम्हारे थ्रू मेरा पूरा होगा। साक्षी समीर को गले लगाती है
और कहानी का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।